एवरीवन, हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और सेकंड हमने डिस्कस किया है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो आज के लेक्चर में आपको उन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक देखो आपका क्या रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जो आपने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो फर्स्ट मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कराई थी आपकी वो, और सेकेंड आपने कौन सी की थी ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में उसको एंड अप किया है। उन दोनों रिलेशनशिप्स में उन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि क्या वो एक दूसरे से भी किसी तरह से इंटर रिलेटेड है या नहीं है, वो चीज हमें आज के लेक्चर में चेक करनी है। तो उसके लिए आपको एक सेटअप भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपने लास्ट में जब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्क्राइब किया था ना, तो एक सेटअप तैयार किया था जिसकी हेल्प से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्क्राइब किया था। और वो सेटअप क्या था, वो एक थिसल फनल वाला, याद करो मैंने जब ऑस्मोटिक प्रेशर वाला लेक्चर आपको कराया था तो वहां पर हमने थिसल फनल की हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्क्राइब किया था कि जो हमारा थिसल फनल का लेवल राइज होता था उसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो उसी तरह का कोई हम सेटअप तैयार करेंगे जिसमें कि हम दोनों कंसेप्ट को यूज करेंगे। दोनों कंसेप्ट मतलब उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी आना चाहिए, और दोनों हमारे आएंगे। दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आ रहा है तो वहां पर हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और अगर आप रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को भी आपको कंसीडर करना है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग में यही क्या था ना कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हमारा लो हो जाता है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वो दोनों कंसेप्ट हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम सेटअप की बात करेंगे कि किस तरह से हम सेटअप करेंगे जिसके बाद हम रिलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो उसके लिए हमें सबसे पहले थिसल फनल को लेना है, और थिसल फनल हमारी शेप मैंने आपको बताई दी थी, इस तरह से शेप होती है आपकी, ये आपकी थिसल फनल की शेप है। थिसल फनल के अंदर यहां पर ये हमारे इन्वर्टेड थिसल फनल है, इन्वर्टेड थिसल फनल। इन्वर्टेड थिसल फनल में आपको लोअर पोर्शन पर क्या लगाना है, जैसे हमने वहां पर किया था, यहां पर आपको लगानी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाकर इसको अब एक किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे हम, इस इन्वर्टेड थिसल फनल को हम किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे, और इस कंटेनर में आप दोनों में आपने अलग अलग सॉल्यूशंस फिल किए थे, याद कीजिए वहां पर, इसमें आप सॉल्यूशन फिल करो, इसके अंदर आप सॉल्यूशन फिल करोगे, और आप जो आपने कंटेनर लिया है इसके अंदर आप प्योर सॉल्वेंट फिल करोगे, प्योर सॉल्वेंट फिल करोगे। और आप थिसल फनल में अगर थिसल फनल में आपने सॉल्यूशन फिल किया है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड है, तो यहां पर अगर आपने सॉल्यूशन फिल किया है तो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या हमने स्टडी की थी कि हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, सॉल्यूट पास नहीं हो सकते, दैट मीन सॉल्यूशन के अंदर तो हमारा ऑलरेडी सॉल्यूट है और वो दोनों मिक्स हो चुके हैं तभी सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। यहां पर अगर हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो वो प्योर सॉल्वेंट जो है यहां पर वो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है। इस तरह से हम यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो करा सकते हैं, इसमें से ये जो प्योर सॉल्वेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू यहां से पास होके सॉल्यूशन में जा सकता है, तो यहां से हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, और ऑस्मोसिस होगा तो वहां पर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट यूज किया जा सकता है। तो हमारे सेटअप में ऑस्मोटिक प्रेशर को तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट हमें रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट भी यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस कंटेनर में सपोज हमने इतना सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, सॉल्वेंट फिल किया है, वो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होता है। अब इस वाले कंसेप्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का अपना कोई वेपर प्रेशर होगा, सपोज कीजिए पी नोट इसका कोई वेपर प्रेशर है। तो अब उसके बाद रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाले कंसेप्ट में आपको दूसरा चीज क्या यूज करनी होती थी, मतलब किस तरह से आप उस टर्म तक पहुंचते थे, अब पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जस्ट वहीं से टर्म्स उठा रहे हैं। तो हमारे पास सॉल्वेंट
नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता था, सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब आप ऐड करते थे तो उसकी वजह से इन दोनों को ऐड करने से हमारा लोवरिंग होती थी, किसमें लोवरिंग होती थी, हमारे वेपर प्रेशर में, याद कीजिए। और उसका रीजन, ये लोवरिंग का रीजन क्या था, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया होता था। और नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है कि जो इवेपोरेट नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। तो जैसे ही हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो कि वेपराइज हो सकता है, वो वेपराइज होकर एक वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, बट जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया तो उसकी वजह से, इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ हद तक कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता। वहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बिल्कुल खत्म नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट वेपर्स बनाना ही बंद कर देगा, बट वो अभी भी वेपर्स बनाएगा, बट पहले के कंपैरिजन में कम बनाना स्टार्ट कर देगा जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे। तो ऐड करने के बाद वहां पर हमारा कौन सा कंसेप्ट आता था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब आपने प्योर सॉल्वेंट यहाँ लिया, प्योर सॉल्वेंट, अब हमारा सोल्यूशन कहाँ फॉर्म हो रहा है, सोल्यूशन जब भी फॉर्म होगा वो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। एक तो ऑलरेडी हमने सोल्यूशन लिया है, बट सोल्यूशन के अंदर, सॉरी, सोल्यूशन को हमने कनेक्ट किया है किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, और यहाँ पर एक साइड में सोल्यूशन है, दूसरी साइड में अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होके इसमें हमारे जा सकते हैं। और अगर मैंने सोल्यूशन को यहाँ तक फिल किया था, जो हमारी थिसल फनल थी उसके यहाँ तक अगर मैंने फिल किया था, बट जैसे ही यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होना स्टार्ट करेंगे, ये पार्टिकल्स जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे, हमारे जो सॉल्यूशन का लेवल है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा। और अगर राइज करना स्टार्ट करेगा तो अब इसके पास स्पेस कहाँ है, यहाँ पर, इस जगह पर हमारा स्पेस है। तो यहाँ जैसे ही हमारा स्पेस है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में आने के बाद हमारा ये वाला लेवल जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा। अब सॉल्यूशन ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद वो एक लेवल तक ही राइज करेगा, मतलब जो यहाँ पर ये स्टेम है ये एक लेवल तक ही राइज करेगी, उसके बाद ये लेवल हमारा स्टॉप कर जाता है, मतलब इसके, इससे ज्यादा राइज नहीं करेगा एक लिमिट के बाद। वो हमने कंसेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में भी किया था कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ये राइज करेगा। तो यहाँ पर अब देखो, सपोज कीजिए ये लेवल ए था, जितने में हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ था वो हमारा लेवल अगर ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जहां तक ये गया वहां हमारा लेवल अगर बी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वहां पर हमने देखो कंसेप्ट भी बताया था कि यहाँ पर मतलब इतना लेवल राइज करने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जिसको ये कंसेप्ट अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट पहले समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का लेक्चर समझो वहां से, फिर उसके बाद आपको ये बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ इतना डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं है, वहां आप कर चुके हो अच्छे से। देखो इतना लेवल इंक्रीज करेगा क्योंकि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने सॉल्यूशन में एंटर किया, जिसकी वजह से हमारा लेवल राइज कर गया है थिसल फनल का, और वो हमारा ए लेवल तक पहले था सॉल्यूशन, अब बी लेवल तक जा चुका है। अगर मैं कहूँ एच हाइट यहाँ पर इंक्रीज कर गई है, एच हाइट तक अगर मैं हाइट मेजर करूँ थिसल फनल की, जो स्टेम है इसकी अगर मैं हाइट मेजर करूँ, तो अगर ये एच हाइट का राइज किया है यहाँ पर, तो ये देखो अब ये सॉल्यूशन जो इंक्रीज कर रहा है, जिसका इसका लेवल जो इंक्रीज कर रहा है, वहां पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो सिंपल प्रेशर के फॉर्म में ना होकर कौन सा प्रेशर हो जाता है यहाँ पर, मतलब कौन सा प्रेशर यूज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल P से, कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा H हाइट राइज करने के बाद, सॉल्यूशन की जो स्टेम है, सॉरी थिसल फनल की जो स्टेम है, इसमें H हाइट राइज करने के बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर अगर P जनरेट हो रहा है, ध्यान से समझ लो, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं बहुत ईजिली समझ आती चली जाएगी, सिर्फ ये डायग्राम आपको समझ आना चाहिए। हमने देखो दो सेटअप बनाने हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट भी उसी में डालना है, और हमने ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी उसी में डालना है। हालांकि किसी सॉल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हो ना, किसी
सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो आपकी चारों ही प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं काम कर रही होती हैं, जो भी हम आगे दो पढ़ेंगे और दो हम पढ़ चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये चारों कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। बट हमें अभी तक दो के इन्फॉर्मेशन है और उन दो को यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और किस तरह से हम रिलेटिव लॉवरिंग एंड वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोनों कंसेप्ट को अगर हमें समझना है तो एक कंसेप्ट तो हमारे लिए एक कंडीशन मस्ट लेके चलता है कि उसके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेशन होनी चाहिए, किसके किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, वो हमने सेपरेशन कर ली है। और दूसरा कंसेप्ट मेरा ये कहता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लो हो जाएगा आफ्टर एडिंग ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के एडिशन के बाद हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है या लो हो जाता है। वो वाला कंसेप्ट हम सिंपल इससे सॉल्वेंट से बता सकते हैं और सॉल्वेंट से बताने के साथ साथ हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर राइज कर रहा है तो इसको हम कंपेयर कर देंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से और हमारे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। बट उसके लिए आपको कंपेरिजन में स्टेप बाय स्टेप चलना आना चाहिए। तो यहाँ तक सभी को समझ आ जाना चाहिए कि हमने एक सेटअप तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट उठाएंगे, फिर रिलेटिव लॉवरिंग वाला कंसेप्ट उठाएंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, सेटअप हमारा ये रहेगा। हाँ, एक चीज और रहेगी भाई इसमें, यहाँ पर जो ये सेटअप बनाया आपने, यहाँ वेपर्स बनाओ, मान लो सॉल्वेंट के वेपर्स अगर आप फॉर्म करोगे तो उस वेपर्स तो हमारे सराउंडिंग में चले जाएंगे, तो हम वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज हमने इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, तो जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो वो हीट प्रोवाइड करते ही ये तो हमारा सराउंडिंग में चले जाएंगे, तो हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इस पूरे सेटअप को, ये जो हमने सेटअप लिया है, सेटअप तो क्या लिया है, दो ही चीजें ली हुई है हमने, एक आपका थिसल फनल और एक आपका कंटेनर जिसके अंदर आपने प्योर सॉल्वेंट और थिसल फनल में सॉल्यूशन डाला हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर को तो आप जस्ट इससे कंसेप्ट इस कंसेप्ट से आप समझ सकते थे, बट अगर आपको लॉवरिंग एंड वेपर प्रेशर करना है तो इस पूरे सेटअप को आप किसी इवैक्यूएटेड ट्यूब से या इवैक्यूएटेड कंटेनर से कवर कर दोगे। ये देखिए, इस पूरे सेटअप को आप किसी इवैक्यूएटेड कंटेनर से कवर करो, इवैक्यूएटेड कंटेनर से हम कवर कर रहे हैं। यहां पर एक नॉब लगी होती है इवैक्यूएटेड, ये थोड़ा नीचे ही बना देती हूं, किसी इवैक्यूएटेड कंटेनर से आप इसको कवर करोगे। इवैक्यूएटेड का मीनिंग क्या होता है, इवैक्यूएटेड कंटेनर इसका मतलब क्या है आपका, कोई एयर की प्रेजेंस नहीं है, नो एनी प्रेजेंस ऑफ एयर, या एब्सेंस ऑफ एयर भी लिख सकते हो आप, एब्सेंस ऑफ एयर की फॉर्म में आपको ये करना है। मतलब ये जो इवैक्यूएटेड कंटेनर आपने लगाया है इसका जस्ट क्या काम है, पहले से इसमें कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई प्रेशर खुद का, मतलब पहले से जो एयर की वजह से प्रेशर जनरेट हो सकता है वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से इवैक्यूएटेड इसको हमने किया। उसके बाद अब अगर हम इसको वेपराइज करते हैं सॉल्वेंट को, तो इसके अंदर जितने वेपर्स फॉर्म होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, या तो सॉल्वेंट के होंगे या सॉल्यूशन के होंगे। तो सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर बनेंगे, और अगर आप सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व करने लगोगे तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के आपके वेपर्स बनेंगे, जिसकी हेल्प से हम वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व करके और हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप रहेगा। अब उसके बाद हम आगे वन बाय वन स्टेप बाय चलते हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को ही कंसीडर करेंगे। यहां देखो, ऑस्मोसिस आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे प्रोसेस, सॉल्वेंट पास होना स्टार्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो एक लेवल तक राइज करेगा। यहां पर हमने कहा सपोज वो एच लेवल तक राइज करता है, ए लेवल से राइज करना स्टार्ट किया, बी लेवल तक वो राइज करा, और सपोज ये हाइट हमारी एच अगर रहती है तो उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कौन, किसका प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्वेंट का प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहां जाने के बाद तो सारा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सॉल्यूशन का
सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, वो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एच इंटू डी इंटू जी। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होगा, एच इंटू डी इंटू जी। अब यहाँ पर एच क्या है, जितना भी राइज हमारा ये लेवल किया है ए टू बी, हाइट ऑफ राइज इन सॉल्यूशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी हमारा कितना राइज किया है सॉल्यूशन, वो वाली हाइट को हमें यहां पर कंसीडर करना है, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस की वजह से सिर्फ यहां से यहां तक का चेंज आया है। ये वाला सॉल्यूशन तो हमारे पास ऑलरेडी था, इतना लेवल तो हमारे पास ऑलरेडी था, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का रीजन नहीं बनेगा। सिर्फ रीजन कौन है, ये हाइट जो राइज किया है, जो लेवल यहाँ पर, वो हाइट जो है, ये जो सॉल्यूशन है इसकी वजह से जस्ट हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बना है। तो यहाँ पर उसके बाद डी क्या है, डी आपका है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखना, अब यहाँ पर तो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है ना थिसल फनल के अंदर, तो अगर यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, सपोज ये सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये जो डेंसिटी बनेगी, ध्यान से सुनना, डेंसिटी बनेगी सॉल्यूशन की, वो हमारी कंपेरेबल हो सकती है किससे, सॉल्वेंट से। देखो मैं क्या कह रही हूं, कंपेरेबल हो सकती है सॉल्वेंट की डेंसिटी से, प्योर सॉल्वेंट की डेंसिटी से। दोबारा सुनिए क्या कहा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा थिसल फनल के अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म होने वाला है, अगर वो सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट है, दैट मींस वहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसकी वजह से वहां पर इफेक्टिवनेस ज्यादा, मतलब सॉल्यूट की इफेक्टिवनेस ज्यादा नहीं है, तो डेंसिटी जो फॉर्म होगी हमारी सॉल्यूशन की, वो हमारी कंपेरेबल होगी सॉल्वेंट की डेंसिटी से ही। तो हम कंपेयर अगर करना चाहें तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही डेंसिटी होगी, क्योंकि आगे हम इसको यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ दोनों को, आपको सॉल्वेंट की डेंसिटी को और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दोनों हमारी कंपेरेबल में चल सकती हैं। उसके बाद जी यहाँ पर क्या है, जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करते आए हो हमेशा से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है थिसल फनल के अंदर, तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज एच इंटू डी इंटू जी। एच यहां पर आपको पता चल गया हाइट, कौन सी हाइट, जो कि आपका स्टेम हाइट इंक्रीज की है, और डी यहां पर क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, फिर जी यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करो, आप यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करें अगर वेपर प्रेशर के लिए, ये तो हमने क्या डिस्कस किया, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वेपर प्रेशर की अगर आपको बात करनी है, तो वहां पर आपको सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कंसीडर करना है। और उसके लिए देखिए, अब ये देखो सॉल्वेंट हमारे पास ये है, सॉल्वेंट यहां पर हमारा प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो भी होगा, हम सपोज कीजिए यहां पर ए सरफेस पर, अब ये पूरा सॉल्वेंट है ना, ये प्योर सॉल्वेंट है, इस ए सरफेस पे सपोज करो हमारे पास पी नॉट वेपर प्रेशर है। ध्यान से सुनना कि हम ये कह रहे हैं, इस ए सरफेस पर अगर प्रेशर पी नॉट है, तो अगर हम किसी हायर लेवल पर बात करें वेपर प्रेशर की, ये चीजें थोड़ा सा रिलेट करना आप, और बहुत इजी कंसेप्ट है वैसे, बस कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमने कहा कि सपोज ए सरफेस पर अगर मेरा वेपर प्रेशर पी नॉट है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ए सरफेस पर हमारा अगर पी नॉट वेपर प्रेशर है, और मैं किसी हायर लेवल पर वेपर प्रेशर की बात करूं, तो वहां पर इस लेवल के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम होगा। दोबारा सुनो कि मैंने किसी एक लेवल को सेट किया कि इस लेवल पर अगर मेरा वेपर प्रेशर पी नॉट है, इस किसी पर्टिकुलर लेवल पर वेपर प्रेशर अगर मेरा पी नॉट है, उसके बाद में किसी भी हायर लेवल पर अगर वेपर प्रेशर की को ऑब्जर्व करती हूँ, तो उसकी वैल्यू इस पी नॉट के वैल्यू से कम ही होगी। तो हम यहाँ
कि पीएस वैल्यू है। यहाँ पर अगर पीएस वैल्यू है तो ये पीएस वैल्यू जो है वो लेस होगी एज कंपेयर टू पी नोट के। ये चीज कैसे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे आपका सी लेवल पे जो वेपर प्रेशर होता है या सी लेवल का जो प्रेशर है वो माउंटेन लेवल के प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है सी का, और माउंटेन्स का प्रेशर कम होता है, और वो क्यों, ये रीजन क्या होता है इसका, आप हाइट की वजह से कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वहां पर हमारा प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आपने हाइयर हाइट की बात की, मतलब उस ज्यादा हाइट की तरफ अगर आप चले गए हो, तो वहां पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके हाइट इंक्रीज करने से, आप सभी को पता है हाइट इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। और अब ये चीज रिलेट करनी है हमें कि पीएस जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल है। हमने कहा पीएस जो कंपेरेबल कह लो, कंपेरेबल है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा सुनो क्या बोल रही हूं। देखो हमने कहा पहले हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का किसी सरफेस ए पर हमने कहा वेपर प्रेशर अगर पी नोट है, लिख के इसको थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट सरफेस ए इज इक्वल टू पी नोट, अगर पी नोट है सरफेस ए पर तो सरफेस बी पर, देन एट सरफेस बी ये डेफिनेटली हमारा कम वैल्यू रखेगा इसके कंपैरिजन में, पी नोट की कंपैरिजन में। और यहां पर जो ये मैं पीएस वैल्यू कह रही हूं ना, ये कह रही हूं कि भाई यहां के कंपैरिजन में यहां पर वैल्यू वेपर प्रेशर की कम होगी। यहां तो हम रिलेट कर रहे हैं सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर की, ये तो हम रिलेट कर रहे हैं सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर की, कि यहां पर जितना भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, इस पॉइंट पर हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम मिलेगा इस पॉइंट के कंपैरिजन में। ये तो हमने दो बार सॉल्वेंट का कंपेयर किया, बट हम साथ के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन के साथ कैसे कंपेयर किया, कि जैसे हमने, अब ये देखो ए से बी के बीच में तो हमने हाइट देखी थी वो कितनी थी, एच थी, तो यहां पर भी हाइट कितनी होगी, एच ही होगी, जो इस कॉलम की हाइट होगी वही हाइट पे हम बात कर रहे हैं, उतना ही डिफरेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं। और हमने कहा इस पॉइंट पे तो पी नॉट है और इस पॉइंट पे पीएस है, तो एच हाइट पर ए पॉइंट पर वेपर प्रेशर पी नॉट और बी पॉइंट पर हमारा वेपर प्रेशर पीएस है। और अब इस पीएस को मैं कंपेयर कर रही हूँ सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन तो हमारा थिसल फनल के अंदर था, हम कह रहे हैं कि अगर मेरा जो पीएस पॉइंट है या सॉरी बी पॉइंट पर जो हमारा वेपर प्रेशर पीएस है, अगर वो कंपेरेबल हो जाए थिसल फनल के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के साथ। यहाँ तो हम हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे, जो इस पॉइंट पर हमने प्रेशर की बात की वो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की है, बट इस सॉल्यूशन को अगर मैं थिसल फनल से बाहर निकालकर उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूं, तब तो उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा और वो वेपर प्रेशर हमारा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। ये कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट भी ऐड है, सॉल्यूट ऐड है तो डेफिनेटली सॉल्यूट अपना इफेक्ट दिखाएगा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है हमारा सॉल्वेंट का वो कम हो जाएगा। बट यहाँ हमने इसमें हमें तो साथ के साथ कंपेयर करना है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी और हमारा ये वेपर प्रेशर को भी, दोनों को कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमने कहा इस पॉइंट पे पी नॉट, इस पॉइंट पे पीएस है, बट ये जो पीएस है उसका वेपर प्रेशर कंपेरेबल है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। और हमें पता है कि हमारा यहाँ पर भी जो पी नॉट है, जो भी हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो यहाँ वाले पॉइंट से ज्यादा होगा और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से भी ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें पता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, और अगर मैं सॉल्वेंट का दो पॉइंट्स पर कंपेयर कर रही हूँ तो इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसमें हमारा वेपर प्रेशर कम होगा। आई होप सभी को समझ आ गया क्या कंसेप्ट बताया है। ये हम पहले सॉल्वेंट का कंपेयर करते थे किन्हीं दो पॉइंट्स पर ऊपर वाले पॉइंट पे हमने कंपेयर कर दिया उसी को सॉल्यूशन के साथ भी, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कंपेरेबल होगा
इस पॉइंट के वेपर प्रेशर से, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ये सॉल्वेंट का प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से कम पॉइंट है कहीं ना कहीं, और वो कम होने का रीजन उसका हाइट है। तो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं, डिफरेंस क्योंकि हमने कहा पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, तो अगर मैं पी नॉट माइनस पी एस कैलकुलेट करूं, पी नॉट माइनस पी एस अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो हमारा कॉलम हाइट पर डिपेंड करेगा या कॉलम हाइट के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो कॉलम हाइट का प्रेशर तो एच इंटू, अभी हमने देखा था प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एच इंटू डी इंटू जी। यहाँ पर डी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी डेंसिटी क्या थी, सॉरी डी क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपका रो आ जाएगा इंटू में जी। एच आपका वही कॉलम हाइट ही रहेगी, रो आपका यहाँ पर क्या है, ये यहाँ चेंज हो गया है, ये आपका क्या बन गया है अब, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। पहले ये क्या था डी, ये था हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर ये रो क्या है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और ये जी यहाँ पर वही सेम मीनिंग ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें हम कंपैरिजन अगर करते हैं तो ये आपके पास ये रिलेशन आई वेपर प्रेशर के लिए, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए, और ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए चल रही थी, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए चल रही थी, और ये आपकी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टिपिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजिंग है इसमें, बट कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स हमने सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर के लिए हैं, बट इसको ऊपर वाले पॉइंट को हमने कंपेयर कर दिया है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के साथ, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, और साथ ही साथ हाइट पर जाने से भी हमारा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हाइट पर जाने से डिक्रीज हुआ, पी एस वैल्यू हमारी पी नोट से कम है, और जैसे ही हमने इसको कंपेयर किया सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर हमारा इससे कम होगा, तो कम होगा, तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर उसके बाद अगर हमने कहा कि इन दोनों में डिफरेंस है, ये ज्यादा ये बड़ा है, ये हमारी छोटी वैल्यू है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करने जाएं तो वो कॉलम हाइट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और कॉलम हाइट के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। कॉलम हाइट का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट हमें पता था एच है, रो यहाँ पर हमें क्यों लेना पड़ा डी की कंपैरिजन में, क्योंकि डी हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन था, रो यहाँ पर हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारा सॉल्यूशन से पूरा इंफॉर्मेशन मिलती है, और यहाँ पर हमारी सॉल्वेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट लिया है, यहाँ हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिया है, और जी का तो सेम ही मीनिंग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सभी जगह कॉन्स्टेंट की तरह ही काम करता है। तो अब इसमें मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये क्या है अलग अलग, सिर्फ इसमें ये चेंज हुआ है, वो आपका यहाँ पर जस्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, कंपेरेबल होती हैं, इक्वल नहीं होती, दोनों कंपेरेबल होंगी। देखिए जैसे कोई सॉल्यूशन आप फॉर्म करते हो, तो सॉल्यूशन फॉर्म करते टाइम अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, डाइल्यूट होने का मतलब वहां पर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है, तो हमने कहा डेंसिटी ऑलमोस्ट जितनी भी बनने वाली है वो हमारी सॉल्वेंट की वजह से ही बनेगी। बट ऐसा नहीं होगा ना कि सॉल्यूट उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाँ उसकी नेग्लिजिबल हो सकती है, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की डेंसिटी बहुत कम हो सकती है, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रखेगी, इसीलिए हमने इन दोनों को कंपेरेबल कहा, इक्वल नहीं कहा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें रिलेशन मिली, ये हमें वेपर प्रेशर से मिली है, इन दोनों ही इक्वेशंस को, या मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को जस्ट कंपेयर किया, अभी तक हमने और कुछ नहीं किया, आप रिलेटिव लॉगरिंग पर नहीं गए हो, आपने जस्ट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को कॉन्सेप्ट को उठाया है, आपने ये तो कहा ही नहीं कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उससे कम हो गया है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, आपने जस्ट अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को कंपेयर किया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आई है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, हमें तो जाना है उस रिलेशन तक, किस रिलेशन तक, रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर भी आ जाए जिसमें, और जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर
प्रेशर भी आ जाए। हमें तो उस रिलेशन तक जाना है बट उसके लिए हमें मैथमेटिकल्स रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उनकी हेल्प से। अब हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, इनको रीअरेंज करके हम इस रिलेशन तक या इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे जिसमें कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को अभी जस्ट डिवाइड कर दो। दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे और देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी। डायग्राम का आपका कोई ज्यादा काम नहीं रहा, जितना एक्सप्लेन करना था सब एक्सप्लेन कर चुकी। क्या कहा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो इक्वेशन आएगी आपके पास पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी। डिवाइड करोगे तो क्या होता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी। तो यहां पर आपका एच इंटू डी इंटू जी और डिवाइडेड बाय एच इंटू रू इंटू जी, ये दोनों डिफरेंस आपको समझ आ जाने चाहिए भाई। एच इंटू डी इंटू जी, एच इंटू रो इंटू जी, यहां से एच कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, डी बाय रो। आपके पास इक्वेशन ये आ गई है। अभी हमने कहा था ये दोनों ही टर्म्स इक्वल नहीं है, कंपेरेबल है कि ऑलमोस्ट दोनों का इफेक्ट सेम ही आने वाला है। हम अगर आपका कंपेरेबल इक्वेशन होती है या कुछ नेगलेक्टफुल टर्म्स आती है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उनको चेंज कर सकते हैं। डिवीजन में हम अभी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं रिलेशंस को। अब इसके बाद ये डी तो हमारी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और ये हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, तो अगर हम बात करें तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो अगर मेरे पास मैं कोई भी सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, सॉरी सॉल्वेंट अगर हम सॉल्यूशन के अंदर ले रहे हैं, तो उसका मास तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ऑब्जर्व कर ही सकते हैं। तो हमारा मास ये होगा, एम से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि किसी भी सॉल्वेंट का मास मेरा एम है, और अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने चलूं कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हम कैसे कंपेयर करेंगे। बट यहाँ तो हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो भी हमने ये रिलेशन ली है वहां पर हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। दैट मींस जो मेरा सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में जा चुका है, वेपर स्टेट में जा चुका है। और अगर वो वेपर स्टेट में जा चुका है दैट मींस उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सॉल्यूशन से गैस की तरफ हो चुकी है, हमारा सॉल्यूशन गैस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अगर गैस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो उसका वॉल्यूम हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसके वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे। सपोज कीजिए जो भी आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है सॉल्वेंट, जो भी हमारा सॉल्वेंट था वो वेपर फॉर्म में अगर कन्वर्ट हुआ है, सपोज कर लेते हैं जस्ट हम कि वो हमारा आइडियल गैस बन गया है। हमने कहा सॉल्यूशन गैस में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि वेपराइज किया है, तो वेपराइज करने के बाद जो गैसियस फॉर्म में सॉल्यूशन गया है या जो भी सॉल्वेंट था वो अगर हमारा गैसियस स्टेट में गया है, सपोज कीजिए वो आइडियल गैस अगर फॉर्म कर लेता है आइडियल गैस, तो उसका अगर हमारा पी नोट वेपर प्रेशर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा पी नोट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने जो सरफेस ए पर माना था वो हमारा पी नोट था। उसके बाद टाइम पे सिस्टम का टेम्परेचर अगर टी है, दोबारा सुनो क्या कहा, कि जो भी हम सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं वो सॉल्वेंट वेपराइज स्टेट में जा चुका है, तभी की बात कर रहे हैं ना हम इस इक्वेशन में। जो हम डेंसिटी लेके चल रहे हैं वो डेंसिटी किस टाइम की है, जब मेरा सॉल्वेंट वेपराइज हो चुका है, और वेपराइज हो गया दैट मींस वो गैसीय स्टेट में जा चुका है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। उसके लिए हमें वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम इस गैसीय स्टेट को ये मान के चल लेते हैं कि जो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हुआ है वो एक आइडियल गैस बन गई है। जो भी गैसीय स्टेट में गया है सॉल्वेंट, अगर वो एक आइडियल गैस फॉर्म हो चुकी है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी, PV is equal to RT, और मुझे वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर मुझे पता है, R तो आपका गैस कॉन्स्टेंट है, वहां से मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमने यहीं पर यही कंडीशन लगाई कि आइडियल गैस अगर वो बनती है आफ्टर वेपराइजेशन, जो भी हमारा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अगर वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारा वेपर
सॉल्यूशन तो क्या है या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो क्या था, पी नोट। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में हमने क्या कहा था, पी नोट। और अगर वो सिस्टम उस टाइम पे टेम्परेचर टी रख रहा है या जो सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर अगर टी है, तो उसके लिए अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मेरे पास वॉल्यूम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, या वॉल्यूम हम किस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, आर टी बाय पी नोट। टी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर हमारा, जब डिवीजन में जाएगा तो प्रेशर हमारा कितना है, पी नोट। तो आर टी बाय पी नोट, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई, आर टी बाय पी नोट। और जब इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, रो इज इक्वल टू एम पी नोट डिवाइडेड बाय आर टी, एम पी नोट डिवाइडेड बाय आर टी, यही आएगा ना। देखिए वॉल्यूम की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा P नोट ऊपर चला जाएगा और RT हमारा डिवीजन में आएगा, तो रो इज इक्वल टू MP नोट बाय RT। अब इस रो की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे देखिए रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू D। अरे यहाँ तो ये मिस्टेक करके, देखो ये रो बाय डी आएगा, रो बाय डी, क्योंकि आपका पी नोट माइनस पी एस किसके इक्वल था, एच रो जी के, और पी इज इक्वल टू एच डी जी के था। तो जब हम इनको दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो रो हमारा न्यूमिनेटर में था और डी हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको करेक्ट कर लो, P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी, और यहाँ पर P आपका किसके इक्वल था, एच डी जे के। तो यहाँ जब अब हम वैल्यू पुट करेंगे रो की, तो एम पी नॉट बाय आर टी, एम पी नॉट डिवाइडेड बाय डी आर टी आपके पास रिलेशन आई है। अब इसमें जस्ट आपको क्या करना है, मैथमेटिकल रीअरेंज कर दो, और इसमें हम ये पी नोट को यहाँ पर ले आएंगे और पी को हम मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या आएगी आपके पास इक्वेशन, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू एम पी डी आर टी, आपके पास इक्वेशन आ चुकी है ये। अब इसमें ना आप ये देखो कौन कौन सी टर्म आपको दिखाई दे रही है, P नोट है, उसके बाद पी एस है, पी है, एम है, डी है, आर है और टी है, ये टर्म्स हैं। इसमें से पी नोट आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हमारा पीएस क्या है, पीएस आपका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी यहां पर आपका क्या था, याद कीजिए स्टार्टिंग में हमने जो पी दिया था कैपिटल पी, वो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। एम यहां पर आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और डी क्या था, सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर आपका गैस कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर। अब देखो हमें ये टर्म्स दिखाई दे रही हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, और डी आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और टी आपका टेम्परेचर, एम आपका मास ऑफ दी सॉल्वेंट। ये टर्म्स दिखाई दे रही हैं, बट ये वाली टर्म्स से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, इसको आप क्या बोलते हो, रिलेटिव लॉवरिंग इन, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते थे ना, ऊपर वाले फैक्टर को हम सिर्फ लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते थे, और ये जब हम रिलेट करते थे इसको प्योर स्टेट के साथ, तो ये वाला फैक्टर हमारा किसके इक्वल हो जाता था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन
पार्टी, यहाँ पर पी क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो रिलेशन हमें ऑस्मोटिक प्रेशर में और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर मैं जो एम है मास या मास ऑफ सॉल्वेंट और डी को फाइंड आउट कर लूं किसी तरह से, डी यहाँ पर क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, या इसको कंपेयर कर सकते हैं हम डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट से। तो यहाँ अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता हो और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आप अपने प्रोसेस को करा रहे हो, तब आपके ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पी नोड माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोड सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, P पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, अगर मेरा कोई सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, उसका सॉल्वेंट का जो भी हम मास डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर वो फिक्स होता है, वो हमें पता होगा, डेंसिटी हमें पता होगी और किस टेम्परेचर पर हम करा रहे हैं अगर वो हमें पता है, तो ये वाला फैक्टर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पी के। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आती है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। और ये पी यहाँ पर क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब अगर आप रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करना चाहते हो तो वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में कोई डिक्रीमेंट आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिक्रीमेंट ही आएगा। तो यहाँ से हमने मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर ली और वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कब आएगा ये चीज ध्यान रखना। एम अगर मेरा फिक्स हो जाए, डी फिक्स हो जाए और टी फिक्स हो जाए, ये चीजें मैंने आपको बताई दी है कि कौन कौन सा फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इनको फिक्स कर देते हैं तो हमारा रिलेटिव लॉवरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें भी हम थोड़ा सा रिलेशन पे ही काम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा, अभी के लिए थैंक यू। बाकी ये वाला रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बार पेपर में देखा जाता है, तो इसको ध्यान से करना। आज के लिए थैंक यू।